दी कोई हैंडीकैप है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई प्रेगनेंट लेडी है, जोरे को बच्चा है, उस बंद की जरूरत उधर भेजी उड़ो। अननेसैसरी बंदा देखो कि बंदा वो देखो सामने जा रहे उधर कैमरा मारो सर, ठीक है। इन्ना बंदा अननेसैसरी जरा वी आई पी जा रहा है, ये चीज़ गलत है। माता के मंदिर में ही वी आई पी बनी आना ना नहीं जाओ, माता तुम्हें घर नहीं जा रही सदन, ठीक है। मैं इधर का लोकल हाँ, मैं आराम करने दर्शन कर सकना इधर, लेकिन मैं फिर भी लाइन में लगे दर्शन करना, ठीक है। जी चीज़ गलत है एडमिनिस्ट्रेशन इधर, थोड़ी देर पहले एक मुहिम चलाई गई कि लेडीज़ जी है मतलब कि शॉर्ट्स में या फिर बिना सर ढके बंदा भी नहीं अंदर जाएगा। अभी देखो कहीं सर ढकी जा रहा कोई नहीं आ रहा, सिर्फ साढ़े मंदिर में ये चीज़ होती है। जो एक रूल कुछ भी इंप्लीमेंट होता, अगर गुरुद्वारे होता तो हर कोई रूल फॉलो करता, ठीक है। कुछ मस्जिद में होता या फिर चर्च में चला, हर जगह रूल फॉलो होते, पर सारे मंदिर में सिर्फ रूल फॉलो नहीं होते। क्यों? कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फेलियर है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट बोला ना। इधर जो अपने जेके पी के जो बंद खड़ोते हैं इंदी मिली भगत है, ठीक है। इयो बंदे बीआईपी बनाई बनाई भेजे, उधर देखो कितना रश पे था। नहीं बीआईपी सही बना, जो बीआईपी वाला जो नाम दिता था एक कि रखे था कि एक जगह रखी थी कुछ लोगों रखी, थोड़ा तो समझागे। देखो जरूरतमंद बंदा हो या कोई सीनियर सिटीजन है, हैंडीकैप हो या कोई प्रेगनेंट लेडी जी ज्यादा देर नहीं खड़ोई सकती लाइन में, कोई छोटे बच्चे वाली है, ठीक है। गर्मी का मौसम है, ठीक है, बच्चा तंग करता है, वो चीज़ जायज़ है भेजना। लेकिन जेडे चंगे भले माता ने तंदुरुस्त रखे देना, लत्त दो दी दी ना, बाहियां दो दी दी ना, ठीक है। मैं तो डोगरी भाषा क्लियर ये चीज़ बोलना कि सत्ते साने बंदे उधर खलोते देना तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर बाकी दुनिया दर्शन करा दी लाइन लगे कुछ भी गया है कि नहीं, ये चीज़ जी गलत है तो गलत है सर। बी आई पी लाइन कुछ भेज दे सर, तुम सामने खलोते थे ना, कैमरा मारो ना, देखो ना लाइव चला था ना सामने, बिल्कुल देखो सामने इन्ने लोग खलोते थे, कैरे पास खलोते थे, इन्हें पूछो ही है इधर खलोने का फन क्या है, क्या फायदा इधर खलोने का, अद्धा अद्धा घंटा इधर खलोई जाना कि हाँ बी आई पी दर्शन करने, उधर लाइन में जाइए दर्शन नहीं करने। गोल्डन टेंपल गया सरदार दी नजर पई, उन्होंने मैनूं स्पेशल लाइन तोड़ के गुरुद्वारे टेंपल के दर्शन कराए, पर इस बावे विच नहीं कराए गए, मैं सीधा लाइन विच लग के टफ दर्शन करके आज घर नहीं चले। की लगदा कि बच्चा हैंडीकैप है, बच्चा दिखो पहले, बच्चा खलो नहीं सकदा, बच्चा दिखो फिर नहीं सकदा, नॉर्मल बच्चा है, ये बंदे डिजर्व करदे ना, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के वादे किए जाते अस लोगों की इतना मतलब बी आई पी कल्चर क्योंकि माता का दरबार जरा कोई भी माता कोई भी बी आई पी है कोई नहीं है, जिम्मेदार है उन्होंने दिखना चाहिए। जे देखो मेरा बच्चा खिलार के देख लो लाइव चल रहे, ये देखो जो खलो सकता है गल करो ध्यान खलो सकता है, टफ होकर दर्शन करके फिर माता का घर जान दें, सू कोई चार थोड़े कि हाँ भाई भी वो करिए करिए तो बाहर जो गोल्डन टेंपल बने उन्होंने अच्छी केयर की साड़ी बिल्कुल जगह आए थे चलो जी माता रानी थोड़ी हर एक मनोकामना पूरी करे थोड़े बच्चे भी ठीक करे अपना शरीर नहीं सहन अपना शरीर नहीं पूरा सहन सवेर का जिद करा डैडी चलो बाहर चलिए बाहर चलिए मैं चलो दर्शन करा दें पर सू दर्शन इस लैन से ज्यादा टफ हो गए दर्शन करने के बाकी आने जाने दे आते बाकी आले चली जान अजे तो नहीं जानते हैं इन्ना टफ हो गया साढ़े बावे लोकल वालों का यह हाल है तो बाकी का की हाल है। जय माँ बावे वाली जरूर लिखिएगा। जम्मू से इस समय की तस्वीरें हैं बावे वाली माता जी के दरबार से, यहाँ पर आज मंगलवार का दिन है और कई सारे लोग जो है वो इस समय बावे वाली माता जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँच रहे, लेकिन इसमें कई सारे जो यात्रु हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निज़ाम है उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो बी आई पी जो कल्चर है वो जो है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिस रास्ते से बी आई पी लोगों को भेजा जाता है वहाँ पर कोई अगर हैंडीकैप्ड है या कोई बुज़ुर्ग है उसको जो है उस रास्ते से भेजा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन बड़ा है या किसकी अप्रोच है उसको जो है उस रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि बाकी लोगों को जो है वो लाइनों में ही लगना पड़ता है। पुराना मंदिर है तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए हर एक जम्मू वासी को या बाहर हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया के जो भी लोग हैं सबको आना चाहिए। आप हर मंगलवार आते हैं? मैं अभी तो आज ही आया हूँ मगर हर मंगलवार आऊँगा मैं। कितनी श्रद्धा है भैया माता को लेकर? बहुत ज़्यादा श्रद्धा है।
तो यहाँ पर वीआईपी सिस्टम को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको वीआईपी यानी कि जो एक लाइन होती है जो खाली रखी गई होती है उसमें से नहीं जाने दिया जाता है, और जो अप्रोच वाले लोग हैं उनको जाने, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, आपको लगा कुछ ऐसा यहाँ पे? देखिए मैं तो आज पहली बार आया हूँ, मगर ऐसी चीज़ें जो अगर होती हैं वो काफ़ी गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे माता के लिए सारों को एक ही क्या वीआईपी सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए? आप क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि आप लोगों को जाने दे रहे थे दूसरी लाइन से, मतलब ऐसे छोड़ रहे थे? उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज जी जी चलिए जी जय माता दी, जय माता। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे बच्चे? तो बिल्कुल जय माँ बाबावली की जरूर लिखिएगा। आज मंगलवार का दिन है और कई सारे लोग जो है वो बाबावली माता जी के दरबार में इस समय जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हम माता रानी जी के आगे, बाबावली माँ के आगे यही दुआ करेंगे कि माँ हर एक श्रद्धालु की हर एक मनोकामना पूरी करे और तमाम लोगों को सही रास्ते पर लगाए, उनसे अच्छे काम कराए। लेकिन बाबावली माता का दरबार जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो आए दिन उनमें जो है वीआईपी सिस्टम को लेकर आए दिन जो है वो विवाद देखने को मिलता है। हालांकि इससे पहले ये भी आर्डर यहाँ पर जारी किया गया था कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे तो वो जो है वो निक्कर और ये कहें कि कैपरी पहनकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, और इसी के साथ शॉर्ट्स पहनकर वो यहाँ पर जो है वो उन्हें एंटर नहीं, जो भी शॉर्ट्स पहनकर या निक्कर पहनकर अंदर आएगा तो उसे जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं इस समय के कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना जाने क्या वजह है, वो तो यहाँ की जो कमेटी है वो बेहतर जाने पर वीआईपी सिस्टम पर यहाँ पर सवाल उस वक्त उठे हैं जब कई सारे लोग यहाँ पर माता के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, पर उनका ये कहना है कि जनाब यहाँ पर वीआईपी सिस्टम चलता है, अगर वहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए आता है तो जिसकी कोई अप्रोच होती है तो उसको जो है वो दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता है, जबकि जिसका कोई हैंडीकैप्ड है या कुछ भी है तो उसको जो है वो लाइनों में लगकर जो है वो माता के दर्शन करने के लिए वहां पर इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माता के लिए, भगवान के लिए सब लोग एक जैसे हैं, तो सब लोगों को जो है वो माता रानी एक नज़र से देखती है। लेकिन यहां पर कौन वो लोग हैं जो कि यहां पर अलग अलग नज़रों से जो है वो लोगों को यहां पर देख रहे हैं? तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दें। क्या आपने भी यहाँ पर बाबे वाली माता के दरबार में यहाँ पर कभी दर्शन करने के लिए आए हैं, तो क्या आपने यहाँ पर कभी इस तरह से वीआईपी सिस्टम को यहाँ पर देखा है या फिर नहीं देखा है? बाबे वाली माता जी के दरबार से इस समय की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज काफी ज्यादा रश इस समय यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, और कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो इस समय यहाँ पर बाबे वाली माता जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और कई सारे लोग जो है वो माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन माँ के आगे हम यही दुआ करेंगे कि तमाम जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी की जाए, उन्हें सही रास्ते पर लगाया जाए और उनसे अच्छे काम कराएं, उन्हें खूब तरक्की दें। लेकिन जो यहाँ की कमेटी है मंदिर की, उनसे भी हम ये कहेंगे कि वीआईपी सिस्टम को लेकर भी एक नज़र जो है वो डाली जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि बाबे वाली माता जी के दरबार में जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग वीआईपी सिस्टम से दर्शन करते हैं तो कुछ जो है वो लाइनों में लगकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। अब ना जाने वो कौन लोग हैं, कुछ सीधे जो है वो दर्शन करने के लिए चले जाते हैं तो कुछ को लाइनों में लगकर जो है वो दर्शन करने का इंतज़ार करना पड़ता है। ये सब समझना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी राय जो है वो इस पर ज़रूर साझा करें और ज़रूर बताएं कि आप कभी जो है वो अगर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं तो क्या आपने इसी चीज़ को यहाँ पर नोटिस किया है या फिर नहीं किया है। जय माता दी ज़रूर लिखते चले, जय माँ बाबा माँ बाबे वाली की ज़रूर लिखिएगा। और शाम का वक़्त है, ये तमाम तस्वीरें इस समय की बाबे वाली माता जी के दरबार से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा रश है, अभी फिलहाल पुलिस यहाँ से जो कुछ लोग ऐसे जमा हैं वीआईपी लाइनों में जाने की सोच रहे हैं तो उनको फिलहाल यहाँ पर जो है वो तस्वीर इस समय की आपको बाबे वाली माता जी के दरबार से आपको दिखा रहे हैं, और रश आप देख सकते हैं आज मंगलवार का दिन है, रश किस तरह से है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो चलो चलिए चलिए चलिए।
बाबे वाली माता जी के दरबार से आज ये तस्वीरें। यहाँ पर मंगलवार का दिन है और इस बीच रश की बात करें तो रश आज यहाँ पर काफी ज्यादा है। कई सारे श्रद्धालु माता के दरबार में इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माता रानी के आगे ये हम यही दुआ करेंगे कि माता रानी तमाम लोगों की, हर एक श्रद्धालु जो भी यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुँच रहे हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी करे। और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे तो उनके लिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज बाबे वाली माता जी के दरबार में यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो आज माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। कई सारे लोगों की जो आस्था है वो बाबे वाली माता जी के दरबार में यहाँ पर जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। और कई सारे जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो माता जी के दरबार में यहाँ पर आते हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे दिल से माँ बाबे वाली जी की जो है वो भक्ति करता है उनकी, तो माता रानी जो है वो कभी भी उन्हें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने देती, उनकी हर एक मनोकामना जो है वो पूरी करते हैं। और इसलिए जय माँ बाबे वाली जी की ज़रूर लिखिएगा। और फिलहाल तस्वीरें माँ बाबे वाली जी के दरबार से आपको दिखा रहे हैं, तो ज़रूर आप बताएं। खासकर जो मेन मकसद जो हमने आके देखा तो कई सारे लोग थे जो कि VIP सिस्टम को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे थे कि कुछ लोगों को दूसरी लाइन में भेजा जाता है और कुछ को दूसरी लाइन में भेजा जाता है, तो ये क्या चीज़ है, जिसे समझना फिलहाल यहाँ पर मुश्किल था। लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। चलिए चलिए चलिए, जय माता।